हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे कि एक मोटर को रिवर्स और फॉरवर्ड कैसे चलाएं और इंटरलॉकिंग कैसे करें। तो इसके लिए हमें चाहिए दो कॉन्टैक्टर। ये कॉन्टैक्टर सनाइडर कंपनी के हैं, बढ़िया कॉन्टैक्टर हैं। दोनों कॉन्टैक्टर सेम है। कॉन्टैक्टर में तीन लाइन के पॉइंट हैं जो एनो में रहते हैं और एक एनसी पॉइंट है। एनो जो लाइन का पॉइंट है एनो का, उस पर अपन चेक करेंगे तो कंटिन्यूटी नहीं बताएगा नॉर्मली, और एनसी पे हम मल्टीमीटर से जब कंटिन्यूटी चेक करेंगे तो कंटिन्यूटी बताएगा, वो एनसी पॉइंट होगा। सेम ऐसा ही दूसरा कॉन्टैक्टर है, इसमें भी तीन एनो और एक एनसी पॉइंट है। तीन एनो लाइन के हैं और एक एनसी, इंटरलॉकिंग के लिए हम काम में लेंगे। और चॉइस वोल्टेज डीसी ऑपरेटेड कॉइल है इसमें। हम चॉइस वोल्टेज डीसी या चॉइस वोल्टेज एसी भी काम में ले सकते हैं। दोनों सेम कॉन्टैक्टर हैं। और इसके बाद में हमें एक एनसी भी चाहिए थ्री पोल का, वो भी स्नाइडर कंपनी का है। और एक SMPS 24 वोल्टेज आउटपुट है इसका, 110 वोल्टेज से 220 वोल्टेज एसी पर ऑपरेट होता है। और आउटपुट चॉइस वोल्टेज डीसी है 2 एम्पियर का। ये अपना SMPS है, पुराने SMPSों में 110 और 220 को चेंज करने के लिए स्विच होता था, पर इसमें ऐसा नहीं है। ये ऑटोमेटिकली 110 से 220 पर काम करता है। मैं एक और दो पॉइंट लाइन और न्यूट्रल का है, जिसमें हम 220 वोल्टेज एसी सप्लाई देंगे। और तीन नंबर ग्राउंड का है और चार और पाँच जो आउटपुट डीसी 24 वोल्टेज है उसका है। और हमें एक मोटर चाहिए जो एग्जॉस्ट फैन का है, हमारे पास थ्री फेस का है, 600 RPM का है और 0.85 फुल लोड करंट है इसका, 470 वाट का है और इनपुट वोल्टेज 415 वोल्टेज है थ्री फेस। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वायरिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जो लाइन के पॉइंट हैं दोनों कॉन्टैक्टर में, लाइन वन, लाइन टू, लाइन थ्री, उसको लाइन वन से लाइन वन को कनेक्ट करेंगे, लाइन टू से लाइन टू को कनेक्ट करेंगे और लाइन थ्री से लाइन थ्री को कनेक्ट करेंगे।
दोनों कॉन्टैक्टर में, लाइन वन का लाइन वन में, लाइन टू का लाइन टू में और लाइन थ्री का लाइन थ्री में जोड़ेंगे, ताकि दोनों कॉन्टैक्टर में थ्री फेज की सप्लाई जा सके। ये अभी पावर की वायरिंग हो रही है, तो पावर की वायरिंग के लिए हमें मोटर के अनुरूप ही वायर लेना होता है और कॉन्टैक्टर भी मोटर के अनुरूप ही लेना होता है। अभी मैं 1 square mm का वायर ले रहा हूँ। इसमें L1 को L1 से जोड़ेंगे, L2 को L2 से जोड़ेंगे और L3 को L3 से जोड़ेंगे। तो फटाफट जोड़ते हैं। दोनों कॉन्टैक्टर को कॉमन कर लिया है। इसके बाद में T1 को T1 से जोड़ेंगे, T2 को T3 से जोड़ेंगे और T3 को T2 से जोड़ेंगे। इसमें दो वायर इंटरचेंज करेंगे रिवर्स फॉरवर्ड के लिए। तो ये भी फटाफट वायर हम जोड़ देते हैं। तीनों वायर जोड़ लिए हैं। इसमें एक वायर सेम है और दो वायर को इंटरचेंज किया है मोटर की डायरेक्शन चेंज करने के लिए। इसके बाद में हम कंट्रोल वायरिंग करेंगे और इंटरलॉकिंग भी करेंगे। तो एक नंबर कॉन्टैक्टर का जो NC है उसको दो नंबर कॉन्टैक्टर के A1 में जोड़ेंगे और दो नंबर के कॉन्टैक्टर का NC को एक नंबर कॉन्टैक्टर के A1 में जोड़ेंगे। तो पहले एक नंबर कॉन्टैक्टर के जो NC पॉइंट है उससे हम एक वायर कनेक्ट करेंगे। और उस वायर को जो दो नंबर कॉन्टैक्टर है उसके A1 पर जोड़ेंगे। इसमें सप्लाई जो दो नंबर कॉन्टैक्टर है उसमें सप्लाई एक नंबर कॉन्टैक्टर के NC पॉइंट से होके आएगी, ताकि चालू रहे तो पावर सप्लाई इसमें जाए नहीं और कॉन्टैक्टर ऑन नहीं हो। और दो नंबर कॉन्टैक्टर के NC पॉइंट से हम एक नंबर कॉन्टैक्टर के A1 पर जोड़ेंगे, इससे दोनों कॉन्टैक्टर इंटरलॉकिंग हो जाएंगे। एक समय में एक कॉन्टैक्टर ही चालू रहेगा
हम न्यूट्रल को इंटरलॉकिंग करेंगे। अब कॉन्टेक्टर एक नंबर के ए टू से एक वायर जोड़ेंगे जो डायरेक्ट स्विच में जाएगा, और दो नंबर कॉन्टेक्टर के भी ए टू से एक वायर जोड़ेंगे वो भी स्विच के अंदर जाएगा। दोनों हम स्विच हैं वो एनो पुश बटन लिए हैं। इससे मोटर जितनी देर तक हम प्रेस करेंगे उतनी देर तक चलेगी और उसके बाद में रुक जाएगी। इसका प्रयोग ज़्यादातर क्रेनों में, जो ओवरहेड क्रेनें होती हैं उसमें किया जाता है। अब हम कंट्रोल वायरिंग कर रहे हैं। अभी कंट्रोल वायरिंग 24 वोल्टेज डीसी की होगी। हम दोनों कॉन्टेक्टर के जो एनसी इनपुट हैं उनको कॉमन करेंगे और न्यूट्रल ग्राउंड 24 वोल्टेज का जो माइनस है नेगेटिव उसकी सप्लाई देंगे। दोनों का एनसी कॉमन करके 24 वोल्टेज ग्राउंड सॉरी 24 वोल्टेज नेगेटिव माइनस है उसको एसएमपीएस से जोड़ दिया है। एसएमपीएस का जो नेगेटिव है 24 वोल्टेज उसको हमने इंटरलॉकिंग किया है, और दूसरा जो पॉजिटिव है 24 वोल्टेज का प्लस जिसे बोलते हैं हम, वो डायरेक्ट स्विच से होके कॉन्टेक्टर में जाएगा। तो हम स्विच प्रेस करेंगे तभी हमारा कॉन्टेक्टर ऑन होगा। तो हम 24 वोल्टेज पॉजिटिव स्विच में कनेक्ट करेंगे और दोनों स्विच को कॉमन करेंगे पॉजिटिव के साथ। हमारा एनो पुश बटन है उसमें इनपुट को कॉमन किया है हमने 24 वोल्टेज को, और आउटपुट में जो कॉन्टेक्टर से हमने ए टू से दो वायर लिए थे दोनों कॉन्टेक्टर के उनको हम जोड़ेंगे ये दोनों वायर। दोनों वायर को दोनों अलग अलग स्विच में जोड़ेंगे। एकदम सिंपल है, वीडियो एक दो बार देखोगे तो अच्छे से समझ आ जाएगा। रिवर्स फॉरवर्ड जब हम कॉन्टेक्टर या मोटर किसी को चलाते हैं तो कॉन्टेक्टर को इंटरलॉकिंग करना ज़रूरी है, नहीं तो वायर शॉर्ट होंगे। इंटरलॉकिंग में एक समय में एक ही कॉन्टेक्टर ऑन रहता है। अभी हम मोटर के कनेक्शन करेंगे कॉन्टेक्टर में, तो जो T1, T2, T3 है उसमें हम मोटर के तीनों वायर कनेक्ट करेंगे। जो आउटपुट है कॉन्टेक्टर का मोटर के तीनों वायर हमने कनेक्ट कर लिए हैं, थ्री फेस का मोटर है, और इसके विपरीत जो L1, L2, L3 है उसमें हम थ्री फेस सप्लाई जोड़ेंगे।
वीडियो को शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। लाइन के तीनों वायर L1, L2 और L3 में कनेक्ट करेंगे कॉन्टैक्टर के। ये एक नंबर कॉन्टैक्टर पे भी कर सकते हैं और दो नंबर कॉन्टैक्टर पे भी कर सकते हैं, क्योंकि दोनों वायर कॉन्टैक्टर को हमने कॉमन किया है। कॉन्टैक्टर में लाइन के तीनों वायर कनेक्ट कर लिए हैं, अब MCB में कनेक्ट करेंगे। और ध्यान ये रखना है कि कनेक्शन करते समय MCB भी जो है वो अपनी ऑफ होनी चाहिए, और पहले एक बार चेक कर लेंगे कि कहीं पावर तो नहीं आ रहा है, और उसके बाद में हम MCB में तीनों वायर कनेक्ट करेंगे। MCB में हमने तीनों वायर कनेक्ट कर दिए हैं। अब SMPS की जो सप्लाई है उसके L1 वो सप्लाई है, लाइन और न्यूट्रल की वो हम जोड़ेंगे। तो इसमें मैं सप्लाई अलग से ले रहा हूँ सिंगल फेज की। अगर इसी में करना होता तो इसमें हमें 3-4 कोर वायर का यूज़ करके 4 पोल की MCB हमें जोड़नी होती है, तो उसी में से हम सिंगल फेज सप्लाई ले सकते हैं। काफ़ी सिंपल तरीके से बताया है, तो वीडियो को आराम से देख के आराम से समझ में आ जाएगा। वीडियो थोड़ा लंबा है, SMPS में हमारा पावर आ गया है और MCB हमने चालू कर दिया है। कॉन्टैक्टर में पावर आ रहा है, अभी हम मोटर को रन करके देखेंगे। जैसे ही मैं स्विच प्रेस करता हूँ मोटर घूमने लगती है, और दूसरा स्विच प्रेस करता हूँ तो कुछ नहीं होता, क्योंकि मोटर एक समय में एक डायरेक्शन में चलेगी चाहे दोनों स्विच प्रेस करो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।